जहाँ नारी की पूजा होगी वहीं देवता होंगे। तो आज हम अपने देश की बेटियों से शुरू करें और हर प्रत्येक नारी का सम्मान करें, यही हमारा एक ध्येय है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीतमपुरा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेखा जी। यहाँ पर आज हैदरपुर के एक MCD स्कूल में कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ की जितनी भी आसपास की बच्चियाँ हैं वो सभी यहाँ पर आई हुई हैं। आज उनका देवी के रूप में पूजा की जा रही है यहाँ पर, और बातचीत करते हैं कि आखिर आज इतने बड़े मतलब अवसर पर मैम आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हर वर्ष हम ये कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हैं और सैकड़ों बेटियों को बिठा करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब बेटी को आगे बढ़ाओ सक्षम बनाओ। तो हम अपनी बेटियों को ये आशीर्वाद देने के लिए हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं, और मुझे खुशी है कि आज भी हजारों बच्चियाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुई। दिल की गहराई से सबको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं, नवरात्र की पूजा चल रही है, क्या कहिएगा नारी सशक्तिकरण? देखिए, हमारी देश में एक ही बात जो हम लोग जानते हैं कि यत्र नारी पूजस्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहाँ नारी की पूजा होगी वहीं देवता होंगे। तो आज हम अपने देश की बेटियों से शुरू करें और हर प्रत्येक नारी का सम्मान करें, यही हमारा एक ध्येय है। लगभग इसमें 3 स्लॉट हम कर चुके हैं, हर स्लॉट में लगभग 900,000 तक संख्या रही है, तो एक अनुमान के हिसाब से 2700 से 3000 तक की संख्या हो चुकी है, जिसमें कन्याओं का पूजन सही से किया गया है। और कन्याओं, सभी कन्याओं को अच्छे से चुन्नी और उनको एक डिब्बा, उनका भोजन और पानी जल और जो भी चीज़ें उनको आवश्यकता के हिसाब से पूजन के लिए आवश्यकता है वो उन्हें दी गई हैं, और उन सब की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हम सभी को मिली हैं। सबसे ज़रूरी जो है कि अभी नवरात्र खत्म हुए हैं, तो अब नवरात्र के बाद क्या सब बेटियों के लिए, बेटियों को सशक्त, नारियों को सशक्त करने के लिए क्या नए कदम? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा तरीका है किसी भी बच्चे को सक्षम करने के लिए। तो हमारे देश में सबके लिए शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, और उनको शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें अगर हम दे देते हैं तो हर बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। और मुझे लगता है कि वर्तमान की हमारी सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है, और हम सबको मिलकर के अपने अपने माध्यम से किसी भी एक गरीब की मदद जरूर करनी चाहिए। हम सबको अपने देश के लिए एक काम देश के नाम तय करना चाहिए और मिल करके देश सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। मैम, एक सवाल और अंतिम जो है वो पूछना चाहूँगी, वो ये कि BJP का जो प्लॉट है जो अभी, और दूसरी तरफ जो NDA एक तरफ है, तो आप कैसे देखती है इंडिया गठबंधन जो कह रहा है कि BJP को वो हरा देंगे और BJP को ख़त्म करेंगे तभी देश में शांति और सुकून आए? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, किसी के सपने देखने पे कोई रोक नहीं है, उनको सपने देख लीजिए, पर यथार्थ ये है कि देश में एक ही नेता है नरेंद्र मोदी, जो देश के लिए सर्वस्व अर्पण करके काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 10 साल के राजनीतिक कैरियर में एक दिन का भी ऑफ नहीं लिया और मिल करके देश सेवा में लगे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि BJP हट जाएगी तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा देश, BJP हटेगी तब चोरी चकारी जितने भी क्राइम है ये सारी चीज़ें कम होंगी। आगरा के पागल खाने में उन्हें भेज देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कन्या पूजन की जो है वो तैयारियाँ की जा रही है, यहाँ पे सभी बेटियों को बुलाया जा रहा है। अभी तक 3000 जो कन्याएं हैं वो यहाँ से भोजन करके जा चुकी हैं, और अभी ये एक फिर नया स्लॉट जो है यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो उनके परिवार वाले अपनी बच्चियों को लेकर के आए हुए हैं, सभी बच्चियों को देवी की तरफ पूजा जा रहा है, उसके बाद फिर इन्हें खाने की चीज़ें जो भी जो प्रक्रियाएं होती है कन्या पूजन के दौरान वो सारी चीज़ें की जा रही है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या है। अच्छा, आगे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नवरात्र कैसे लगते हैं आपको? माता दुर्गा की शक्ति, मतलब माता दुर्गा को आप पूजती हैं? यस। अच्छा, किस क्लास में? 6th। आपका नाम? लाडली। यहाँ हर साल होता है ये पूजा? नहीं, ये
साल पूजा होते हैं नवरात्रियों का। यहाँ पे देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और ये सभी जो है ये हर साल यहाँ पे पूजा होती है और ऐसे ही बच्चियों को बुलाया जाता है। 3000 का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा होता है। जिन कन्याओं की पूजन हो चुकी है और अभी जो है देखिए इनको डब्बा मिल रहा है, फिर जो और बची हुई चीज़ें जो है वो दी जाती हैं और खुद रेखा जी यहाँ पर जो है इन लोगों को डब्बा बांट रही है, खाने पीने की चीज़ें जो है वो दे रही हैं बच्चों को। नौ दिनों में जो देवी की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और उसके साथ ही इन सभी कन्याओं को नौ कन्याएं बिठाने का जो की जो एक परंपरा है वो हमेशा से चली आ रही है। नौ कन्याएं बिठाने का अर्थ होता है कि आप देवी के नौ रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन हर लड़की के अंदर, हर जो महिला होती है उसके अंदर दुर्गा का स्वरूप होता है, शक्ति का स्वरूप होता है और उसी शक्ति के स्वरूप की ताकत होती है जो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नज़र आ रही है। और शक्ति के स्वरूप को पूजने के लिए नवदुर्गा की पूजा की जाती है। नवदुर्गा के रूप में ये छोटी बच्चियाँ बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सौम्या मिश्रा, कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ, दिल्ली अप टू डेट।